उत्तर प्रदेश में आज दो बड़े नेताओं ने रैली की। कानपुर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं जौनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरा। कानपुर में पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था, नोटबंदी से लेकर चुनावी चंदे पर उठ रहे तमाम सवालों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ एकजुट होकर बता दिया है कि वो बेईमानों के साथ है। संसद को चलने नहीं दिया गया, जबकि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी। पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी के कारण लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे अंदाजा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब 50 दिन चलेगा, इसके बाद कठिनाइयां कम हो जाएगी। वहीं यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम ने राज्य सरकार को भी घेरा। यूपी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी को शह दे रहे हैं। राज्य में गुंडागर्दी चल रही है, अब लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जौनपुर में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के 99% गरीबों का बिना पूछे खून निकाल लिया। सारा कैश काला धन नहीं होता, सारा काला धन कैश में नहीं होता। यहाँ राहुल गांधी ने लोगों को धन और काले धन के बीच फर्क बताते हुए मोदी सरकार को अमीरों की सरकार करार दिया। विजय माल्या के मुद्दे को पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अमीरों का कर्जा माफ किया है, उन्हें गरीबों का कर्ज माफ करना चाहिए था। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साफ है कि इन चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा काफी गर्माने वाला है। इसकी झलक आज भी देखने को मिली, जहां पीएम मोदी इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी ने इसे गरीब विरोधी फैसला करार दिया। देखते रहिए डीबी लाइव।